वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल सूप। ये सूप डॉक्टर रिकमेंडेड सूप है। इसमें कोई भी अनहेल्दी चीज़ें नहीं है, सभी हेल्दी चीज़ें हैं। यहाँ पे जो चीज़ें दिखाई गई है वो सूप में ऐड होगी। पैन गरम करेंगे, उसमें 1 स्पून घी डालेंगे। आप बटर या ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये हेल्दी है इसलिए मैं यहाँ पे घी यूज़ कर रही हूँ। ये बच्चे और बड़ों को दोनों को बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ये। जैसे ही ये घी गर्म हो जाएगा इसमें हम अनियन डालेंगे। एक अनियन है ये, बहुत ही बारीक कट की हुई। इसको हम सोटेड करेंगे। बाद में हम गार्लिक जिंजर क्रश किए हुए 1 स्पून डालेंगे। इसको भी अच्छी तरह से, थोड़ा सा इसका कच्चापन का टेस्ट ना आना चाहिए, ज़्यादा ब्राउन नहीं होना चाहिए। जैसे ही ब्राउन होने लगे हम दूसरी सब्जी ऐड कर देंगे। पत्ता गोभी ली है, बहुत ही बारीक कटी हुई, 1/2 बाउल या 1/2 कप। इसको भी अच्छी तरह से सोटेट करेंगे। अब इसमें डालेंगे कैरेट 1/2 कप बारीक कटी हुई। इसको भी हम अच्छे तरह से मिलाएंगे। बाद में हम कॉर्न 2 चम्मच ऐड करेंगे। मटर ऐड करेंगे 2 स्पून। आप यहाँ पे कैप्सिकम भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को कैप्सिकम नहीं पसंद इसलिए मैं यहाँ पे कैप्सिकम नहीं ऐड कर रही हूँ। थोड़ी देर पकने देंगे हम इसे। यहाँ पे मैं ब्लैक सॉल्ट यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो व्हाइट सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं टेस्ट अनुसार। तेज पत्ता ले रही हूँ मैं, काली मिर्ची और दालचीनी। यहाँ पे मैं काली मिर्ची बहुत कम ले रही हूँ क्योंकि बच्चों को ध्यान में रखते हुए, आप ज़्यादा ले सकते हैं। और जैसे ही सूप हमारा रेडी हो जाएगा हम तेज पत्ते दालचीनी निकाल के रख देंगे साइड में। अब हम इसमें 1 लीटर पानी ऐड करेंगे। जैसे ही हमारी सब्जी से कच्चापन चले जाए हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। जितना सूप बनाना है उसका डबल पानी यहाँ पे यूज होगा। मुझे 1/2 लीटर चाहिए सूप, इसलिए मैं 1 लीटर यूज कर रही हूँ पानी। ये सीजेरियन लेडीज के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें कोई सोया सॉस, कॉर्नफ्लावर कुछ भी यूज नहीं हुआ है, सब हेल्दी चीजें हैं। आप चाहे तो ले सकते हैं सोया सॉस, कॉर्नफ्लावर, लेकिन मुझे गाढ़ा नहीं करना है, मुझे ये नेचुरल चाहिए। देखिए हो गया है 1/2 रेडी सूप। इसको हमने बाउल में ले लिया। एक बाउल में मैंने अपने लिए और दूसरे बाउल में मैंने मेरी छोटी बेबी के लिए लिया है। उसमें मैं एक छोटी सी स्पून में घी डालूंगी। बहुत ही खुशी से वो ये पी रही है सूप को, बहुत एंजॉय करते हैं बच्चे। आप भी जरूर ट्राई करें।